यास्मिन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी आज मैं बना रही हूँ परफेक्ट फ्लफी कैपेचिनो। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसानी से घर पे बनाएं, बाहर जैसा टेस्ट इसका। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये बनाते हैं परफेक्ट कैपेचिनो और बताते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसको हम कैसे बनाएंगे। बहुत आसानी से बन जाती है ये और बस कुछ ही मिनटों में। सबसे पहले मैंने यहाँ कॉफ़ी ले ली है। कॉफ़ी आप जो मिकदार है इसकी सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। साथ में ये चीनी ली है मैंने और साथ ही पानी लिया। जितनी कॉफ़ी है उतनी चीनी उतना ही पानी हमने लेना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस तरह का आपने एक बोल ले लेना है जो थोड़ा सा डीप हो, जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डीप होना चाहिए काफ़ी सारा क्योंकि हमने इसको बीट करना है, तो उसमें ये है कि ये काफ़ी छींटे वगैरह उड़ के इसके बाहर की तरफ आते हैं, तो इसलिए डीप बोल ले लें। उसमें हमने कॉफ़ी ऐड की, साथ ही हमने चीनी बारीक पिसी हुई ऐड कर ली और इसके साथ जितना पानी इसके अंदर ऐड कर लिया। अब देखते ही देखते ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुकी है काफ़ी पानी के अंदर। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उसके साथ आप कर लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ कर लें। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करें। मेरे पास दोनों हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हैंड बीटर है, इसके साथ हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बीट करने में, सही बात है। और जो इलेक्ट्रिक बीटर है मेरे पास उसमें तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे और बहुत जल्दी ये बहुत मज़े की कैपेचिनो तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको बीट करना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्लो रख रख के इसको, बहुत फास्ट नहीं रखना। हल्का हल्का सा पहले इसको हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद फिर जू जू ये फ्लफ़ी होती जाएगी कैपेचिनो, तो तू इसको ही हमने जो स्पीड है तेज़ करते जाना है मशीन की, तो उससे इसमें बहुत अच्छी एक फ्लफनेस आती है और बहुत स्पंजी टाइप ये कैपेचिनो तैयार होगा। तो जिस तरह देखते देखते इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर बार बार दिखाई दिया दे रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीटर के साथ इसको अच्छे से बीट करें। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे उतनी ज़्यादा ये फ्लफ़ी और स्पंजी होगी। तो अभी इसको मैं ऑलमोस्ट बीट कर चुकी हूँ, मुझे इसको और ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अगर इसको और ज़्यादा कर दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बहुत थिक नहीं मुझे करनी है, बस इतना ही रखना है मुझे इसको। तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है, कलर भी परफेक्ट इसका आ चुका है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और टेक्सचर देखिए इसका कितना ये खूबसूरत फ्लफी सा और स्पंजी सा इसका टेक्सचर आया है। तो अब दूसरी साइड पे मैंने दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। दूध को हमने बॉयल नहीं आने देना, हल्का सा हमने इसको गर्म करना है बिल्कुल। अभी भी ये जो मैंने गर्म किया काफ़ी गर्म है, मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने रखूँगी, फिर उसके बाद कैपेचिनो के अंदर इसको मिक्स करूँगी। तो बहुत मज़े का फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी कैपेचिनो बनता है। सर्दियां हैं आजकल तो सबका दिल करता है पीने का, कॉफ़ी हो कैपेचिनो हो जो भी हो। एक कप ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने इस तरह इसको ऐड किया कैपेचिनो को, और जितना आपको फ्लेवर चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए उतना मीठा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क और देखें कितनी फ्लफनेस है इसके अंदर। तो अब आप चाहो तो इसको मिक्स कर लो या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे आपको अच्छी लगती है आप इसको वैसे ही रखें। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर और ऐड करूँगी मैं कैपेचिनो को। अगर कॉफ़ी की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देख लीजिएगा। तो इस तरह करके ये हमारी परफेक्ट फ्लफ़ी कैपेचिनो तैयार होने को जा चुकी है। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन अगर आप इसके ऊपर बनाना चाहें जैसे भी तो आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा फाइनल लुक है कैपेचिनो का। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलें। मेरे चैनल को अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करें, उनको बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।